नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। और मैं हूं डिम्पी काल रहा। तो आज मार्केट के अंदर फिर से एक नए हफ्ते की शुरुआत के साथ ये समझ में आ रहा है कि बाजार शायद इंडेक्स के लिहाज से फिर से कुछ नहीं करे। आपको स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव जो पिछले हफ्ते किया था वैसे ही आपको करना है। नतीजे भी आ जा रहे हैं कई कंपनीज के, जिसमें कोलगेट बाटा जैसे शेयर्स भी शामिल हैं, सीधा कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं, तो उनके नंबर्स भी आज बाजार पे दीपावली जरूर असर डालेंगे। लेकिन डिम्पी, पिछले हफ्ते भी हमने एक शुरुआत की थी, लेकिन मिड वीक में जो पुशअप मिला था वो मॉनसून फैक्टर से मिला था, और आज एक और मॉनसून फैक्टर है जो सेंटीमेंट्स को बूस्ट कर सकता है। तीन दिन पहले, यानी कह सकते हैं कि स्केड्यूल टाइम से अंडमान निकोबार आइलैंड में मॉनसून पहुंचा है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। एफआईएस की अप्रोच पॉजिटिव रही है फ्राइडे में, ये एक दूसरा सेंटीमेंट पॉजिटिव है। और तीसरा एसजीएक्स निफ्टी, जो कि सभी एशियन मार्केट्स को देखें तो उनसे एक डाइवर्जेंट मूव लेते हुए ट्रेड कर रहा है, 30-40 पॉइंट्स ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे सेंटीमेंट्स पॉजिटिव तो हैं, सेंटीमेंट्स ठीक ठाक रह सकते हैं। पॉजिटिव पिछले शुक्रवार तक भी थे, क्योंकि बाजार ने कोई ऐसी गिरावट तो दिखाई नहीं थी, अपने मुनाफों को समेट के रखा। आज एसजीएक्स निफ्टी ये कहता है कि थोड़ा और बढ़ जाएगा। एक बार संकेत देखें, एसजीएक्स निफ्टी ये कह रहा है कि 25 अंक आज और जुड़ेंगे, और ये आपको शुभ संकेत इसलिए भी है क्योंकि हफ्ते की शुरुआत अच्छे नोट पे हो रही है। ये नोट ना केवल सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी से है, बल्कि ग्लोबल संकेत भी देखें वो भी आपके लिए ज़्यादा डैमेजिंग नहीं थे। शुक्रवार तक जो भी ट्रेडिंग हुआ वो मार्केट के बिल्कुल अनुकूल ही था। वेदांता और कोलगेट के आज नतीजे आएंगे, वेदांता का 20% मुनाफा बढ़कर आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखें इस शेयर पर। कोलगेट और बाटा दो कंज्यूमर वाले शेयर्स भी आज अपने नंबर उतार देगा बाजार में। इसके अलावा 710 करोड़ रुपए की बिकवाली डीएस की तरफ से हुई, और जो दीपाली कह रही थी कि एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है, चौथा ऐसा सेशन है जब एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है, और ये करीब करीब 2000 करोड़ के आसपास का हो चुका है। और जो चौथी इंपॉर्टेंट बात दीपाली हमको नोट आई मार्केट में, वो छोटे मझोले शेयरों में आज भी खरीदारी रह सकती है। सेक्रेटोरियल बांटना चाहे तो रियल एस्टेट, कॉमोडिटीज, इन सब पे आज थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि मॉनसून तीन दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया है। इनफैक्ट जो छोटे मझोले इंडेक्स की आपने बात की, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी यहाँ पर, एक रिसर्च रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी 500 इंडेक्स में एक जोरदार तेजी आई है, और इसमें जो परफॉर्मर्स और अंडर परफॉर्मर्स रहे उसमें 50-50 का रेशियो है, यानी 50% स्टॉक्स ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने परफॉर्म किया ही नहीं है। तो स्कोप है अभी भी ऐसे स्टॉक्स का जहां पर वैल्यू है जो कि अभी चले नहीं है। इनफैक्ट ऐसे कुछ आइडियाज हम शेयर भी करेंगे, और हर रोज ओपनिंग से पहले हम आपको बताते भी हैं कि आज तेजी कहां आ सकती है। आपको बता दें कि शानदार नतीजे आए हैं अवंती फीड्स के, एक जोरदार मूवी स्टॉक दे सकता है। आज दिन भर स्टॉक पर आप नजर रखकर चलें। जेके सीमेंट मजबूत हो सकता है, अगेन ट्रिगर होगा यहां पर अर्निंग्स का, नतीजे में मजबूती दिखी है जिसका असर दिखेगा जेके सीमेंट के स्टॉक प्राइस पर। सब कुछ ऐसा है पर, और देखिए आप टाइटन के नंबर्स हर पैरामीटर पर अच्छे रहे हैं और हर डिविजन ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो टाइटन एक तीसरा स्टॉक रहेगा, 2 मिनट में कमाल हुआ है, जी हाँ 2 मिनट में मैगी बनती है, और 2 मिनट में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है क्योंकि नंबर्स जो प्रोजेक्शंस की गई थी उससे बेटर पोस्ट किए हैं। और जो पांचवा स्टॉक आज के लिए रहेगा वो रहेगा आइडिया सेल्यूलर। एक डर था मार्केट को कि घाटा और बढ़ सकता है, लेकिन घाटा अनुमान से जो फिगर्स आए हैं वो अनुमान से बेहतर रही हैं। तो आइडिया कि आज घंटी बजेगी नहीं, ये फिर देखना होगा। तो ये 5 स्टॉक्स रहेंगे डिम्पी जो आज फोकस में होंगे, बिल्कुल ये फोकस में रहने चाहिए, और इन 5 शेयर पे कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। एक बार फटाफट से ग्लोबल मार्केट भी देख लें, क्योंकि वहां से क्या क्या संकेत हमको समझ में आए हैं। अभी अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी जिस समय जो ट्रेड कर रहा है वहां से सपोर्ट ही मिल रहा है। यूएस में या फिर यूरोपियन मार्केट्स में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ जिसको लेकर ये कहा जाए कि हाँ मार्केट के अंदर थोड़ा डरने की बात है या फिर थोड़ी चिंता है। हाँ, इस बीच में नॉर्थ कोरिया ने नया मिसाइल टेस्ट जरूर कर दिया था वीकेंड पे, लेकिन बाजार इससे घबरा नहीं रहा है, खासकर एशियन मार्केट्स नहीं घबरा रहे, क्योंकि एशियन मार्केट्स का ही हिस्सा है एक कोरियन मार्केट्स भी। तो ये एक अच्छी चीज़ हमको यहाँ पर दिखी है, लेकिन ये टेस्ट होना ये बाज़ार के लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आज मार्केट ने बढ़त दिखाई है, ये हमको समझ में आया कि एक डर वाली खबर उसके बावजूद भी आंकड़े बेहतर दिखे हैं। बिल्कुल, और एक बार क्रूड का भी हाल बता देते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते काफी वॉलेटाइल क्रूड रहा था। अभी नाइमेक्स और ब्रेंट दोनों ही फ्लैट लेकिन पॉजिटिव बार्स दिखा रहे हैं। 50 के ऊपर ब्रेंट क्रूड अभी ट्रेड कर रहा है, और एक बार फिर से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हुई है कि ओपेक जो है वो प्रोडक्शन कट कर सकता है, इसीलिए जो प्राइसेस हैं वो 25 तारीख को इनकी बैठक है। 25 तारीख को इनकी बैठक है, तो शायद वहां से उम्मीद कर सकते हैं तो प्रोडक्शन कट होगा या नहीं होगा, यही प्रोबेबिलिटी है। प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं ये तो तय है, तो प्रोडक्शन कट होगा या नहीं होगा इस पे बाजार अभी चल रहा है। मोटा मोटी जो रेंज है वो 3 महीने की जो रेंज हमको एक्सपर्ट से समझ में आई थी वो है 42 से लेके 55 के डॉलर टर्म्स में। अगर आप भारत में देखना चाहें तो 3 से 5 दिन की ट्रेड है, 3150 एनसीडीएक्स पे एमसीएक्स पे क्रूड आपको मिल जाएगा, और 3950 का भी एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। चलिए क्रूड की तो रेंज डिम्पी ने बता दी, अब निफ्टी की रेंज भी समझ लेते हैं कि आज लाइकली रेंज क्या रहेगी। निफ्टी की रेंज देखिए कुछ ज्यादा बदलाव तो हुआ नहीं, जैसे अभी आप आंकड़ों में भी पढ़ रहे थे कि
जो एफआईज के अप्रोच है बाजार को लेकर अभी थोड़े पॉजिटिव तो है लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंकड़े नहीं दिखे। एक बार निफ्टी के लेवल्स आज पहले देख लेते हैं और उसके बाद समझेंगे कि फ्यूचर्स में क्या हुआ। पहले एक बार निफ्टी के लेवल्स दिखाइए। आज निफ्टी का रेंज 9380 के आसपास रह सकता है, उसके बाद अगर 94 के ऊपर गया मार्केट के पास एक चीज है दीपाली, वो है कि अच्छा बेस, और मार्केट के पास दूसरी अच्छी चीज भी है वो है हाथ बदला रेंज। तो मार्केट के पास 9500 का टफ रेजिस्टेंस है और 9300 का एक अच्छा बेस है क्योंकि 25 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। अभी समय है, 10 दिन का समय है, लेकिन इस 10 दिन में 8 ट्रेडिंग सेशन होंगे और 8 ट्रेडिंग सेशन में उम्मीद कर सकते हैं कि 9300 नहीं टूटेगा और 9500 पार करके हम शायद क्लोज भी नहीं करें। इसलिए आज की टेंटेटिव रेंज आप यही रखें, बैंक निफ्टी 22550 और 22850 तक की रेंज होगी। ये थोड़ा सा कमजोर हुआ है निफ्टी के मुकाबले। ट्रेड लेना हो तो 9400 की कॉल लीजिएगा और 9300 की पुट में भी क्वाली कर सकते हैं। ये कॉल पुट ठीक है, 9500 भी मत जाइए, अब 9200 भी मत जाइए, क्योंकि ये दोनों बड़े पैरामीटर्स हैं, छोटे पैरामीटर्स यही हैं एक्सपायरी के आसपास हम आ चुके हैं। बिल्कुल, और इनफैक्ट इस सीरीज की शुरुआत से हमने देखा भी है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, फिर चला है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, फिर चला है, तो सेंटीमेंट्स तो पॉजिटिव है। अच्छी बात यह है कि पिछले सेशन में 9400 पर एग्जैक्टली निफ्टी क्लोज हुआ है, लेकिन अगर हम डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स को देखें तो क्या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बायस कुछ चेंज हुआ है कुछ लेवल्स को लेकर, या फिर अभी भी वो लोअर एंड पर 9300 और अपर एंड पर 9500 को देख रहे हैं? ये कह सकते हैं कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप आंकड़ा देखें एफआईएस का, तो एफआईएस के आंकड़ों में एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखी है कि कल सभी सेगमेंट में हमने बिकवाली आते हुए दिखी है। ये वो रेंज है मार्केट की जहां पर एफआईएस का कोई भी बड़ा चंक बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर काम करेगा, कोई भी बड़ी सेलिंग काम करेगी, लेकिन दोनों ही एब्सेंट है, ना ही बड़ी बाइंग है ना ही बड़ी सेलिंग है। तो इसलिए जो हम बार बार आपके सामने बात रख रहे हैं कि मार्केट शेयर रेंज में रहेगा, सीमित दायरे का कामकाज होगा, ये सीमित दायरा यहीं से हमको समझ में आ रहा है। दूसरा, एक बार निफ्टी का ना जल्दी से फ्यूचर्स भी आप देखिए। निफ्टी के फ्यूचर्स में कल हमको अनवाइंडिंग का प्रेशर दिखा था, लेकिन आज आपके पास फिर से ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। एक दिन अनवाइंडिंग, एक दिन ग्लोबल संकेत आपके लिए अच्छे आ जाते हैं, तो ये मिक्स होके आपको ज्यादा चलाएगा नहीं, क्योंकि शुक्रवार तक थोड़ा हम बेयरिश हो गए थे, आज मंडे है फिर नए जोश के साथ है। तो इसलिए मार्केट के अंदर नया जोश बेयरिश होना ये क्लब करके 9300 को ब्रेक नहीं करवाएगा, 9500 के पार नहीं कराएगा। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कीजिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो इंडेक्स लेवल्स आपको बताया गया, एक रेंज में ही आज ट्रेड हो सकता है, लेकिन जैसे हम हर रोज कहते हैं कि इंडेक्स के बजाय अगर स्टॉक्स पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा फायदा आपको पहुंचेगा। अब एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर प्रशांत बंसल है हमारे साथ डेस्टिमनी सिक्योरिटीज से, उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पहले तो ओपनिंग ही बताइए, कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 9400 पर निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ, आज की ओपनिंग से पहले 4-5 क्यूज अच्छे हैं, एफआईएस की अप्रोच, एसजीएक्स निफ्टी, मॉनसून का समय से पहले अराइवल, इन तमाम संकेतों के बीच में आप कैसी ओपनिंग आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली, एक नए सप्ताह की शुरुआत है और एक बहुत ही अच्छे मुकाम के ऊपर, जैसे कि हमने सुना कि मेट डिपार्टमेंट ने बताया कि 4 दिन पहले ही अंडमान और निकोबार के अंदर मानसून आ गया है, तो हमें लगता है कि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं कि मानसून का अर्ली अराइवल और जो हम डेरिवेटिव्स की ऑप्शन चेन देखते हैं उसको देखते हुए लगता है कि निफ्टी में थोड़ा सा उछाल आएगा। बट फिर भी मैं एक बड़े नज़रिए के तौर के ऊपर बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, टेक्निकली बोथ द इंडेक्सेस आर शोइंग हायर हाई हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि जो एक तेजी है वो बनी रहेगी। दूसरा, अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं तो एक 9300 के लेवल के ऊपर, 9300 के लेवल के ऊपर एक फ्लोर सा है, उसके ऊपर करीबन कोई 7.7 मिलियन 77 लाख पुट राइट हो चुके हैं, जो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा फ्लोर रहेगा फॉर दिस सीरीज। ऑल्दो अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 9500-9700 का हमें लगता है कि लेवल इस सीरीज तक 9500 का लेवल मेंटेन रहना चाहिए निफ्टी के अंदर। सो टेक्निकली देखते हैं निफ्टी इज लुकिंग अप, अगर हम डेरिवेटिव की तरह देखते हैं निफ्टी लुकिंग अप, फंडामेंटल फैक्टर्स की तरफ देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनसून लगता है कि थोड़ा जल्दी आ जाएगी और फ्राइडे को बॉम्बे के अंदर थोड़े से प्री मॉनसून शावर्स भी हुए, तो लगता है कि एक बहुत ही अच्छे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी शो कर रहा है कि यस प्रशांत, 9300 एक अच्छा बेस हमको समझ में आया और 95 आप बता रहे हैं, तो आपने हमारी जो बात है उसको ऑडिट भी किया, बिल्कुल पास हो गए हम उसमें तो। लेकिन जय ठक्कर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जय, ये हफ्ता जय वाला है या फिर पराजय वाला है? गुड मॉर्निंग दिव्या, चला
वेल आई होप कि ये हफ्ता डेफिनेटली यू नो इट्स इन फेवर ऑफ द बुल्स, बुल्स की जय हो, मेरे तो यही यू नो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट. एंड आई थिंक सी ओवरऑल डिम्पी जो आप बता रहे थे, जो मेरे को स्पीकर भी अभी जस्ट बता रहे थे, आई ऑल्सो वुड लाइक टू रीआइट्रेट द सेम थिंग कि यस, मैंने तो यू नो पहले भी कहा था कि 92 का जो बेस था वो शिफ्ट हो चुका था 93 पे, जैसे हमने ब्रेकआउट देखा था 9370 के ऊपर. सो आई थिंक दैट यस 9370 ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक लो हमने रीटेस्ट होते हुए देखा, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है. बट आई थिंक मोर ऑर लेस डिम्पी 93 के पहले 9350 इटसेल्फ एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है. यू नो 9350 के अगर आप यू नो लेवल्स देखें तो वो एक पहले ही एक यू नो अगर वो ब्रेक होते हैं तो ये एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि शायद 93 पीक हो जाए. तो आई डोंट थिंक कि जब तक 9350 टूटे बुल शुड गिव अप. डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिली थी, बट एक अच्छी रिकवरी फ्रॉम द लोज देखने भी मिली. सो आई थिंक मोर ऑर लेस ऑन द अपसाइड 9500 जहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ देखने मिल रहा है वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, एंड 9350 मेरे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है. सो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस मैं कहूंगा कि बने रहे लॉन्ग पोजिशन में, फिर से फ्रेश बनानी हुई तो वही स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक वन कैन क्रिएट अ लॉन्ग फ्रेश. ठीक है, तो ये जय का व्यू भी आपने सुना इंडेक्स पर, लेकिन निम्पे भी प्रशांत भी ऑप्शन डेटा की बात कर रहे थे. अगर ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखें तो कौन सी कॉल या फिर कौन सी पुट्स ज्यादा एक्टिव थी? अगर आप ऑप्शन यानी कि कम पैसे में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं ना, तो एक बार आप 94 और 9300 की कॉल पुट में काम कीजिए. 94 के अंदर आपको थोड़ा कन्विक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज जो है वो अगर गई ना तो कम से कम 94-94.80 तक ही जाएगी. 95 के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं. अगर गया भी तो 95 तो है ही कॉल हमारे पास, तब की तब देखी जाएगी. फिलहाल आज के डाटा को देखते हुए 9400 की कॉल प्लस करने के लिए ठीक रहेगी. एक अच्छा बेस क्योंकि 9300 का है, इस पुट ये 2700 के आसपास की, इस पुट को ना धीरे धीरे आप शॉर्ट करते जाइए. आपको दिखेगा कि हो सकता है 1900 तक आ जाए, हो सकता है 1300 तक आ जाए, 10 भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर जैसी थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी इस पुट को ज़्यादा तेजी से तोड़ा जाएगा. तो 9300 की पुट और 9400 की कॉल, ये दोनों पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है. 9200 हमने बहुत पैसा बताया, लोगों को बहुत पैसा बना भी होगा इस कॉल से, क्योंकि मैं लगातार बता रहे थे शॉर्ट करें, उससे 50 की पुट हुआ करती थी, आज 12 की है. ठीक है, तो कम से कम 40 दो स्पुट से बने हैं. अब आप 93 का बेस अगर समझते हैं तो ये बेस भी आपको फायदा जरूर पहुंचाए.